सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ये चंदौली पुलिस कोतवाली की जो है इसने एक महत्वपूर्ण बरामदगी और गिरफ्तारी की है। तीन साथी महिलाएं जो गया बिहार की रहने वाली हैं और गांव में जाकर के महिलाओं में विश्वास अर्जित करना, पुराने कपड़ों के बदले उन्हें बर्तन देना और विश्वास अर्जित हो जाने के बाद उनके गहनों की सफाई के नाम पे गहने ले जाना, एक दो बार उसको साफ करके पहुंचाना, फिर कीमती और महंगे गहने सफाई के नाम पे ले जा करके गायब हो जाना। इस टेंडेंसी वाली इस क्रियाकलाप की ये महिलाएँ थी गया की। इनके द्वारा केशवपुर गाँव जो चंदौली थाने में है वहाँ जा करके तीन चार दिनों तक लगातार जा करके गांव की महिलाओं में विश्वास पैदा किया गया और विश्वास हो जाने के बाद फिर उनके गहने सफाई के नाम पर लेकर के निकल गई थी। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी इस तरह के महिलाओं की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए। उसी क्रम में ये महिलाएँ तीन गिरफ्तार की गई हैं जिनके कब्जे से केशवपुर गाँव से जो गहने इनके द्वारा ले जाए गए थे वो बरामद। कितने दिनों से ये काम कर रही थी ये पता चल पाया है? अब इन महिलाओं का तो कहना है, जो महिला अपराधी हैं इनका कहना है कि ये खानदानी पेशा इनका है और घूम फिर करके पूरे देश में इसी तरह का काम करती है। कोई माइनर भी है? अब माइनर की फिलहाल बात तो नहीं है, तीनों महिलाएं हैं, वयस्क प्रतीत हो रही हैं और न्यायालय में वो स्थिति जाएगी, लेकिन ये एक पेशेवर गैंग है, गिरोह है और ये टहल घूम करके इसी तरह से ठगी की घटना है। और लोग भी हैं इसमें? हाँ, इसमें और भी लोग हैं जिनके बारे में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। Thank you.